जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद का अपहरण करने वालों में अलगाववादी नेता यासीन मलिक शामिल था। रुबैया सईद ने शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में गवाही के दौरान अपने अपहरणकर्ता की पहचान की। रुबैया सईद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन है। सईद का दिसंबर 1989 में अपहरण किया गया था। 13 दिसंबर को 5 आतंकवादियों के छोड़े जाने के बदले रिहा किया गया था। सीबीआई ने 1990 की शुरुआत में अपहरण के इस मामले की जांच अपने हाथ में ली। यह पहली बार है जब रुबैया सईद को इस मामले के सिलसिले में अदालत में पेश होने को कहा गया था। रुबैया सईद तमिलनाडु में रहती हैं। सईद को अभियोजन पक्ष की ओर से बतौर गवाह के रूप में पेश किया गया था। घटना के करीब 31 साल बाद यासीन मलिक और 9 अन्य के खिलाफ अदालत ने पिछले साल जनवरी में आरोप तय किए थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। यासीन मलिक को हाल ही में टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एनआईए ने टेरर फंडिंग के दोषी ठहराए गए यासीन मलिक को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी। एनआईए ने कहा कि यासीन मलिक ने जिस तरह के जुर्मों को अंजाम दिया है उसे देखते हुए मलिक को फांसी की सजा से कम नहीं दी जानी चाहिए। यासीन मलिक ने केस की सुनवाई के दौरान खुद भी गुनाह कबूल लिया था और वकीलों को भी वापस कर दिया था।